Jeev. Ya Chidabhas. Ya Pratibim. Ya Shabda ho sakta hai Vishesh Chaitanya. Atma ke level pe na shubh na ashubh, na paap na punya. Na sambandh koi, na deindri man koi, na prapanch koi, wahan kuch hai hi nahi, chutti hai sab. To 84 lakh yoniyan sansar mein bhatakna, rona, tadapna, bhagna, rishte banana, rishte todna, ye sare kaand jo hai, ye chidabhas karta hai, samanya chetan nahi. Prashn. Vishesh chaitanya ke janne se kya nishchay hua? Uttar hai vishesh chaitanya jo chidabhas aur uske dharma va main nahi, mere nahi, parantu ye mere mein kalpit hai. Main inka adhishthan samanya chaitanya intinyara hoon, ye nishchay karna. Bahut sukshm mamla hai ye ab. Chidabhas samajhte hue main sakshi hoon kahega to wo jhoot hai. Wo alpakal ka hai na vaise bhi, bhagta phirta hai vaise bhi. To chidabhas main nahi hoon ye sparsht hoega to hi anubhav clear hoega ki main hi sakshi hoon. आगे लेते हैं सामान्य चैतन्य क्या है. उत्तर जो आकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण है, जो सब नाम रूप का अधिष्ठान है, जो अस्थि भांति प्रिय है, जो निर्विकार ब्रह्म है, वह है सामान्य चैतन्य. प्रश्न, ब्रह्म को सामान्य चैतन्य क्यों कहा जाता है? अधिक देश व काल में जो वस्तु होती है उसे सामान्य कहते हैं. जैसे ब्रह्म बुद्धि कल्पित सर्वदेश और सब काल में व्यापक है, इसलिए ब्रह्म को सामान्य चैतन्य कहते हैं. प्रश्न, सामान्य चैतन्य जानने में क्या दृष्टांत है? उत्तर, जैसे एक ही रस्सी में अनेक पुरुषों में से किसी को सर्प, किसी को डंडे की, किसी को पृथ्वी की रेखा, किसी को जलधारा की भ्रांति हो जाती है, इस भ्रांति में दो अंश हैं. सामान्य अंश इदमंश, दूसरा सर्पादि विशेष अंश. उसमें यह सर्प है, यह डंडा है, यह पृथ्वी की रेखा है, यह जलधारा है. इस रीति से सर्पादि विशेष अंशों में सामान्य इदमंश अर्थात यह अंश सर्वत्र व्यापक है और वह रस्सी का स्वरूप है और यही सामान्य अंश है. ये अंश भ्रांति काल में भी बासता है, भ्रांति की निवृत्ति काल में भी ये रस्सी है, इस रीति से बासता है. इसलिए सामान्य इदम अंश अव्यभिचारी होने से सत्य है. परस्पर व्यभिचारी जो सर्पादि विशेष अंश है वह कल्पित है. बात समझ लगी इतनी? ये 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 इदम मतलब दिस दिस, ये 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 सेम. किसी को लगा पानी, किसी को लगा रस्सी, किसी को लगा कि सांप है, किसी को लगा ये है, किसी को लगा पानी की कोई धारा, मतलब पानी पड़ा होगा तो एक धार छूट गई है. अब वो सबको अलग अलग, ये सेम. और किसी ने लाइट जगा दी पूरी तो देखा अरे यहाँ तो रस्सी है, तो अब क्या हो गया, ये रस्सी है. तो ये रस्सी सामान्य रूप है. बाकी ये जो कल्पना से भ्रम से दिख रहे थे उसमें भी ये अंश तो अन्वय रीति से उसमें है. ऐसे ही सर्व पदार्थों में पांच अंश है. सर्व पदार्थ मतलब सारा संसार
नाम रूप का सारा संसार कुल, मैंने इसलिए कोई एक चीज नहीं ले रहे, जस्ट गेट इट एवरीथिंग। सब चीजों में पांच होती हैं, अस्थि बाति प्रिय नाम और रूप। इसे रिपीट करिए, पांच ही चीजें। कोई चीज देख लो तुम दुनिया की, अस्थि मने है, बाति मने चैतन्य, और प्रियता और नाम कुछ होएगा और फिर उसके कुछ रूप होएगा। तुम कहोगे जी दुनिया में बड़ी सारी खराब खराब चीजें, उसमें प्रियता कैसे? लेट्स से ह्यूमन फीसिस, इसमें क्या प्रियता है? तो गंदी चीज है, ये किसको प्रिय हो सकता है? क्या बात कर रहे हो, सुअर को प्रिय नहीं है? नहीं है, है? आप कहोगे लो जी मनुष्य के मूत्र में क्या प्रियता है? है? जो नेचुरोपैथी जानते हैं वो ये जानते हैं कि स्वमूत्र चिकित्सा होती, बीमारियों का इलाज मनुष्य के मूत्र से हो सकता है। और मनुष्य छोड़िए, डंगरों के मूत्र से भी दवाइयां बनती हैं। ये जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में स्त्रियों को दवा देते हैं, प्रेमरिन जैसी जो नाम होते हैं, वो उसमें जो हार्मोन है वो गर्भवती घोड़ी के मूत्र से निकालते, वही मॉलिक्यूल फिर उन्होंने केमिकल्स को ज्वाइन करके बनाया, तो एक केमिकली इंड्यूस्ड होता है, एक नेचुरल। जो नेचुरल हार्मोन है वो घोड़ी के मूत्र से निकलता है, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। कई एक जगह में, कई एक देशों में जो पब्लिक यूरिनल होते हैं, वो पब्लिक यूरिनल्स के अंदर यूरिन कलेक्टर सिस्टम्स लगा रखे। अब आपने गौमूत्र तो सुना था, पहली बात स्वमूत्र नहीं सुना होगा, बट सच ये है मानव शरीर के अंदर से जो मूत्र निकलता है उसमें भी बहुत से हार्मोन्स होते। तो हाउ इट कैन बी डिराइव्ड आउट, दैट्स अ टेक्नोलॉजी। So in certain places, human urine is collected, और उसमें से वो सब chemicals and hormones को वो निकालने की चेष्टा चलती, उससे आगे दवाइयां बनती। तो ऐसे ही कहीं मत मूत दिया करो, उसकी भी बड़ी कीमत है। अब यहाँ इंडिया में भी इसके ऊपर prototype plant कहीं लगा नहीं, बट बड़ी जल्दी लगेगा, दो चार साल में। और वो है सीवरेज में जितना ह्यूमन फीसिस आ रहा है उसे इकट्ठा करके उसको एक प्रोसेस से उसे बिजली बनाएंगे। अरे जब गोबर गैस प्लांट बन सकता है तो मानव के गोबर से क्यों नहीं बन सकता? आपका गार्बेज से तुम्हें मालूम कितने कबाड़ी कैसे अमीर हो जाते हैं? पुराना शीशी, कागज, लोहा, टुकड़ा जो तुमने फेंका, कभी किसी कबाड़िए के घर जाके देख लेना, तुम्हारे से ज्यादा बेहतर घर है उनके। आप नीचे फोर्स देखते हो जो कलेक्ट करते, जो उसको मैनेज कर रहा है, जो उसको बेचता है, रियली रिच। सो व्हाट इज गार्बेज टू यू इज ऑफ ग्रेट यूटिलिटी टू समबडी। इसलिए हर चीज में प्रियता, अस्थि बाति प्रिय। घट माने घड़ा, घट है ये अस्थि सत, घट वास्ता है ये बाति चित चैतन्य। घट प्यारा है क्योंकि घट जल भरने के उपयोगी है, इसलिए वे प्रिय है। सर्प सिंह भी सर्पिणी और सिंहणी को बड़े प्रिय होते। अब आप कहोगे मैं तो जानवरों का एग्जाम्पल दे रहा, तुम सांप देखो तो तुम डरोगे, पर सपनी देखेगी तो कितना खुश होएगी, मेरा लवर आ गया। तुम सिंह देखो, शेर देखो तुम डरोगे, पर कोई सिंहनी देखे तो कितनी प्रसन्न होएगी। और उसका मेटिंग टाइम होए तो एक्चुअली ये होता है कि शेर बैठा रहता है और सिंहनियां उसके आसपास घूम घूम के
अपना बॉडी का प्रदर्शन कर करके अपने बॉडी से ऐसा केमिकल फेरोमोन्स रिलीज करते हैं ताकि शेर अट्रैक्ट हो सके, और फिर शेर को जो सबसे पावरफुल फेरोमोन्स जिससे मिलते हैं वो उसके साथ मेट करता है, तो बाकी जो है वो फिर लड़ती हैं उसके साथ। ड्रामा सेम है, सातन का ड्रामा वहां भी चलता है। बुरे से बुरा आदमी किसी को तो प्रिय ही होता है। 6.5 लाख यहूदियों को मारने वाला हिटलर, उसकी भी गर्लफ्रेंड्स थी, एंड एक्चुअली सारी जिंदगी वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। एंड टाइम पे ठीक अपने आप को गोली मारने से कुछ समय पहले अपनी गर्लफ्रेंड से उसने शादी करी थी, जस्ट बिफोर किलिंग हिमसेल्फ। बेचारा कितना अकेला रहा होगा कि किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाया। और जब उसे ये कंफर्म था कि अब मैं मरूंगा, मुझे मरना पड़ेगा, खुद को ही मारना पड़ेगा, तो उसे ठीक थोड़े देर पहले एक पादरी को बुलाया और उसने शादी करी, और फिर उसको सुरक्षित निकलवा दिया, खुद को मार लिया। तो हिटलर जिससे आज हिस्ट्री को जो जानते हैं, इस दुष्ट व्यक्ति के साथ नफरत करने वाले लोगों के बीच में भी कोई उससे, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नियो नाज़ी बोलते, और हिटलर उनका हीरो है। टेररिस्ट हैं, एक सरकार कहती है गलत है, पर जो उनके लोग हैं उनका वो हीरो। तो सर्प होए, सिंह होए, बुरे से बुरा मनुष्य होए, प्रियता उसमें भी होती। घट ये दो अक्षर का नाम है, स्थूल गोल पेट घट का रूप है, ऐसा घट आदि सब भूतों और भूतों के कार्य के विषय को भी जानना। बाहर के पदार्थों में ये 5 अंश दिखा दिए हैं। भीतर देह आदमी आदि में मैं हूं, ये अस्थि है, एग्जिस्ट, अस्थि। मैं भाजता हूं, मैंने जानता हूं, ये भाति। मैं अपने को प्यारा हूं, यह प्रिय। और देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार अज्ञान और इनके धर्म, ये नाम है। इनके यथा योग्य आकार और रूप हैं, ये भीतर के पदार्थों में 5 अंश दिखाए गए। पहले बाहर का दिखाया, सब में नाम रूप अस्थिभाति प्रिय है। अब वो कह रहे हैं आपके शरीर मन बुद्धि इंद्रिय में भी सेम नाम रूप अस्थिभाति प्रिय, ये 5 चीजें होती। अब इन सबके नाम रूप को त्याग करने से पृथ्वी है, पृथ्वी वास्ती है, पृथ्वी प्रिय है, क्योंकि रहने को स्थान देती है। पृथ्वी ऐसा नाम है, गंध गुण युक्त है। अब पृथ्वी के नाम रूप को त्याग कर दें, नाम और किसको त्यागना है, रूप। पृथ्वी का नाम और रूप त्यागे तो पीछे क्या बचा, अस्थि बाति प्रिय। ऐसे ही जल, अब हमें पढ़ेंगे नहीं, जल है वास्ता है प्रिय है, तेज है वास्ता प्रिय है, शीत और अंधकार को दूर करता है ना तेज। उष्ण स्पर्श गुणयुक्त रूप है, तेज ऐसा नाम है। अब तेज का नाम रूप त्याग करने से कहते हैं चलो पहले आगे। ऐसे ही वायु रूप रहित है, स्पर्श है, गुणयुक्त है, अब इसका कहते नाम रूप छोड़ दो, अब और पीछे चलो। आकाश है वास्ता है प्रिय है, रहने घूमने को स्थान देता है, ऐसा आकाश नाम है। शब्द गुणयुक्त रूप है, कहते अब चलो आकाश का नाम रूप भी छोड़ दो, लेट्स मूव ऑन। पीछे क्या है, आकाश के पीछे क्या है, कहते वो मैं नहीं जानता। आकाश के पीछे क्या है वह मैं नहीं जानता, वह मैं नहीं जानता। पीतांबर जी अपने लिए कह रहे, कहते मैं, तुम कह सकते हो मैं नहीं जानता आकाश के पीछे क्या है, अब चलो कोई बात नहीं। अज्ञान वास्ता है, अज्ञान प्रिय है,
It's a very interesting thing. क्योंकि अज्ञान जीवों को प्रिय है और अज्ञान प्रपंच का कारण होने से उन जीवों को निर्वाह करता है. अज्ञान ऐसा नाम है, आवरण विक्षेप शक्ति वाला, अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप है. अब अज्ञान का भी नाम रूप त्याग दीजिए. अब अज्ञान भी त्याग देंगे तो क्या है, अब हुआ कुछ भी नहीं है. ऐसा प्रतीयमान सर्व वस्तुओं का अभाव रहता है और अभाव वास्ता है. अभाव शून्य ध्वनियों का प्रिय है जिसका अभाव ऐसा नाम है और सब वस्तुओं का अभाव निषेध मुख प्रतीति का विषय रूप है. अभाव के नाम रूप का भी त्याग कर देने से अभावत्व का स्वरूपभूत अधिष्ठान सत वस्तु ही अवशेष रहता है. अवशेष माने पीछे वही बचता है. अभाव के अभाव पने को प्रकाशता है, इसलिए चित्त है. कुछ नहीं है, ले कुछ नहीं को भी कौन जानता है, वही चैतन्य. दुख से भिन्न है इसलिए आनंद है. इस रीति से सब नाम रूप में अनुगत अव्यभिचारी नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म सामान्य चैतन्य है, ये सत्य है. घट के नाम रूप पट वस्त्र में नहीं और पट के नाम रूप घट में नहीं, इसलिए परस्पर व्यभिचारी ये नाम रूप मिथ्या है. ये सामान्य चैतन्य के जानने में दृष्टांत है. समझ लेगी, थोड़ा शब्द ही एक नया आया, घड़ा कपड़ा नहीं, कपड़ा घड़ा नहीं है ना, तो परस्पर व्यभिचारी. प्रश्न, उक्त सामान्य चैतन्य ब्रह्म की सबसे अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता कैसे है? उत्तर, जो जो कार्य है वह स्थूल है और परिच्छिन्न होता है, जो जो कारण है वह सूक्ष्म और व्यापक अधिक देशव्रति होता है, ऐसा नियम है. अतः ब्रह्म सर्व का कारण है, इसलिए सबसे अधिक और सूक्ष्म और व्यापक है. जैसे समुद्र के पानी से फेन और नमक कठोर होते हैं, इससे जाना जाता है पृथ्वी जल का कार्य है, अतः पृथ्वी से जल सूक्ष्म और व्यापक है. गॉट इट? नमक कहां से आता है? और नमक ठोस है, राइट? अब जल से पृथ्वी कैसे हुई, बोले ये अब हम बतला रहे. सारे मिनरल्स, इट्स जस्ट सॉल्ट, सारे मिनरल्स कहां से आते? तो समुद्र से पृथ्वी, मैंने जल से पृथ्वी हुई. अब जल सूक्ष्म है और पृथ्वी से ज्यादा है. पृथ्वी के पाषाण आदि अवयव वस्त्रों में डालने से बाहर नहीं निकलते, जल वस्त्र में ठहरता ही नहीं.